गुरु जी न्यू तो मैं खंडेरा ऊपरी सलाग नहीं रहा। और क्यों कर लागेगा भाई? ये तो मेरे भी मैडम मंजू शर्मा जी की डाली है, टिक्की बिंदी कर दो के चुन्नी जानी दे दो। ले तो एक चुन्नी ले ले कोई सी की। हाँ, उषा देवगी। पहले जमाने में जब सांग होया करते जो यो नहीं यो देरी। अच्छा उषा की ले ली। हाँ जी। उषा बेटा आप चादर ओढ़ लियो आ जाओ। अगर बोडिया सुतरी लग रही है तो ताली बजाओ भाई, जोरदार ताली। चलिए भाई बजा के। घूंघट में चांद सा मुखड़ा, लगता है कि तू ही है मेरे दिल का टुकड़ा। जरा घूंघट हटा अपना चेहरा दिखा, मेरे मन का कमल खिला। अच्छा, हम आपसे कुछ बात करने आए खंडेरा उपरी। अच्छा हाँ, किंतु मैं तो आपको जानती भी नहीं, मुसाफिर मुझसे क्यों बात करना चाहते? हम मुसाफिर नहीं है। और हेलो, हम बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज तोप ताप तो कौन है तू? एक खंडेरा उपरी। हाँ, मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया है। दिल आ गया? हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर। किडनी भी आने की चीज हो है। और दिल भी आता देखा कदे? अरे पगली, मुझे तेरे से प्यार हो गया है। प्यार हो गया? हाँ। कोई बात नहीं, एक भाई को बहन से प्यार हो ही जाता है। लगता है तू मजाक के मूड में है। हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्या करेगा? ब्याह करूंगा तेरी गल में। ओहो, आए पांच मिनट नहीं हो, आता है ले ले नोशी तू। मैं तना जानती नहीं पिछानती नहीं, ब्याह करूंगा तो जान ले मुझे पहचान ले। जना इस नगरी का नाम बता। तामोल। तामोल के राजा का नाम बता। श्याम धाम। श्याम धाम की लड़की का नाम बता। रतन कौर। रतन कौर के बटेऊ का नाम बता। वीर विक्रमाजीत। मैं वही वीर विक्रमादित्य हूँ। फिर तेरा तो रतन कौर गैल ब्याह हो गया, मेरा धोरा बैंगन लेना आया है तू। अरे पगली। हाँ। हम राजा आदमी है। अच्छा, अरे राजा तो दोस्त से ब्याह कर ले के फर्क मारे है। मैं नहीं करती। मैं तो दूसरा करूँ। तुम मन ने के कोई और पकड़ ले, मैं नहीं करूंगी। करना होगा ना करूं? हमारी जिद है। फिर जिद है, मेरी भी जिद है, मैं भी नहीं करूं। अरे करना होगा, मेरे से ब्याह करना होगा। और जब ना करूं तो? ना करेगी तो तेरा जन बच्चा कोल्लू में पिलवा दूंगा। जन बच्चे की मिसाई होने भी के पिलवा गो। अरे तेरी माँ बापू बेबे भाई कोई तो होगा, सबने मरवा दूंगा ब्याह कर ले। सब न मरवा होगा? हाँ। तो महाराज मैं ऐसे ही किसी मूर्ख आदमी से विवाह नहीं कर सकता। हेलो। हाँ। मेरे दो दो महाज्ञानी गुरु पीछे बैठे हैं। अच्छा, इनका चेला हूँ। फिर तो ज्ञान नहीं पाओगा। ज्ञान नहीं सु तो ज्ञान की परीक्षा दे। अच्छा, क्यों? हाँ। कर लेगी परीक्षा? मन्नू लूंगी, सवाल पूछूंगी। सवाल पूछेगी? हाँ, याद हाथ ना लाओ है, सुन। हाँ। सवाल पूछूंगी, उनके ठीक ठीक जवाब दे, आप परीक्षा हो जाएगी। ठीक से तो मैं जवाब दूंगा। हाँ। बुजुर्गो देखो, जो रागनी सुनने आया है, पंडित लक्ष्मीचंद अनपढ़ गुंठा टेक ब्राह्मण था। अरे ये बात शायद आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी, ये सत्संग में बात मिलती है। एक बार हाथ उठा के दो बाबा भैया की। अरे मानस आए जो, अरे बोलिए रे मुसा फिर मेरे तन में सिड़ा को, बोलिए रे मुसा फिर मेरे तन में सिड़ा को। Oh,
बातें हैं। हाँ। तू जब चली हाँ तो चलते वक्त मुझे तेरी चाल जो है मर्दाना लगी। अच्छा, घूंघट भी नहीं खोल रही। अब जनाना कहता नहीं कि मैं काट के दिखाऊं, मैं वो तो चाल तो कैसी भी हो सकती है किसी की। नहीं, मुझे शक है। अच्छा, कद तू हिजड़ा हो कोई तो तू नू बता। हाँ, तन शक है। हाँ, तो तू मेरा दौरे के गाजर छोला जा की तो और तो थोड़ा सा मुंह दिखा दे, चाहे मुंह दिखाई दुआ दूंगा भाई सब। मुंह दिखा दे, थोड़ा सा मुंह दिखा के बात कर। पहले सवाल ला के जवाब दे, सबकी मैं दिखा दूंगा फिर। सवाल करेगी? हाँ, तो ठीक से सवाल कर। आई कौन देवता तपे रोजाना, कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नावण लाली, कौन श्याम ने सब घर आवे, होया सवेरा जावण लाली, कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण आली, कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण आली। कौन पखेरु बिना पंख का, कौन पखेरु बिना पंख का, कौन से बिन काल बता दे, कौन सरोवर बिना नीर का, कौन पेड़ बिन डाल बता दे, मैं उसकी गल्या ब्याह करवा लूं, जो पूरे मेरे सवाल बता दे, उसकी गल्या ब्याह करवा लूं। सुनिए, ये देसी घी की बात है, डालडा की नहीं। ये सवाल कितने गहरे, कितनी गहरी पहेलियां हैं। क्या बताया? कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नहाने वाली। एक देवता ऐसा है जो अग्नि के बीच रोजाना तपता है, एक देवता ऐसा है जो कई बार स्नान करता है दिन में। कौन श्याम ने सबके घर आवे, ओया सवेरा जावण वाली। हाँ, कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावण वाली। कौन उगलता है, कौन खाता है। कौन पखेरु बिना पंख के, पखेरु माने पक्षी। हाँ जी, बिना पंख का पक्षी कौन। कौन पखेरु बिना पंख के, कौन से बिन काल बता दे, कौन सरोवर बिना नीर का, कौन पेड़ बिन डाल बता दे, मैं उसकी गल्या ब्याह करवा लूं, जो पूरे मेरे सवाल बता दे, मैं बता दूंगा। कौन जगत में एक से, कौन जगत में दो। तो सुन, सुना अगर कोई जवाब ठीक लगे तो सम्मान कर देना। सुनिए, सूर्य देवता, सूर्य देवता तपे रोजाना, सूर्य देवता तपे रोजाना, ब्रह्मा ने आदत नहावण आड़ी, रात सांझ ने ये सब घर जावे, हुया सवेरा तो आवण आड़ी, इंद्र देवता सब रस उगले, धरती माता खावण आड़ी, इंद्र देवता सब रस उगले, धरती माता खावण आड़ी। एक जीव पखेरु बिना पंख का। जीव पखेरु बिना पंख का। हाँ, कैसे ये लोग कहते हैं ना। हाँ, रे फलाना आदमी ठीक ठाक बैठा था, पता नहीं क्यों या जनू हार्ट अटैक आया है, दिमाग की नस पटकी, बैठा बैठा मर गया। हाँ, इसका तो प्राण पखेरु उड़ गया। ये जीव आत्मा पंख नहीं है, फिर भी ये उड़ जाता है। भाई जीव पखेरु बिना पंख का, नींद से बिन काल बता दूं, आख सरोवर बिना नीर का। हाँ, धर्म वृक्ष बिन डाल बता दूं, ब्याह करवा चाहे ना करवा, मैं पूरे तेरे सवाल बता दूं, ब्याह करवा चाहे ना करवा, मैं पूरे तेरे सवाल बता दूं। सवाल तो बता देगो। ये ताई कन्यादान करके गई, ले तू ही राग में। तो ताई ने कन्यादान कर दिया तो बायला न्यू, और बता कौन जगत में एक, कौन जगत में दो। तो सुन। हाँ, आज राम जगत में एक है, राम जगत में एक है, भाई चांदर सूरज को लिए रे मुसा,
ताऊ ने मान सम्मान करा बलवंत जी ने। इवन्यू बता। हाँ सवाल के जवाब ठीक थे? बिल्कुल ठीक। ठीक लगे जी जवाब? इसका मतलब इब तू मेरी बहू बनने के लिए तैयार हो जा। क्यों? मैं गुरुजी पंडित जी ने बुलाऊं वे फेरे करवा देंगे मारे तेरे। अभी कित फेरे? ये तो आधे सवाल हुए। हाँ भी। अरे हाँ आधे सवाल हुए। हाँ ठीक जवाब थे। ठीक जवाब थे। तो इसका मतलब तू मेरी 50% बहू बन गई है। अभी कित 50? अभी तो 5-1% मान। ये तो सवाल थे। अभी मेरी कुछ शर्त और है जिनके आधार पे मैं रहूंगी। अच्छा शर्त भी है? हाँ। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे हम करेंगे। अच्छा बोल तेरी क्या शर्त है? कि मेरी गल्ला ब्याह करवाना धक्का पेल नहीं से, एक आदिन 16 शर्त पुगानी होंगी हसी खेल नहीं से। और देखे आगा देख का चाल बटेऊ, कदे ठोकर लागे पां भिड़ के, इस खांडेराव परी ना मानस लाखा घेर दिया घर के। अच्छा हाँ देखो खांडेराव परी की तो 16 शर्त है, लेकिन आजकल की जो आ रही है ना बहू, उनकी 16,000 मिलेगी और वे भी पूरी करो पाचन रेहरी मेरे तो 2-4 हो। बोल तेरी क्या क्या शर्त मंजूर करेंगे? गणवाऊ? गणवा। कदे तेरा खाना नहीं बनाऊ। और कौन बनाओगा? मेरे लेख जी कहकर बनवा। खाना नहीं बनाएगी? ना। ठीक से कुक रख लूंगा घर में कुक। कुक कोई बात ना मंजूर से। कदे तेरे बर्तन भी को ना दऊ? मंजूर है। कदे तेरी सेज नहीं बिछाऊ? हर सेज सेज में सारी बात समझी। कमाल कर दिया भाई। और के मैं बिटोड़े बजा के सोऊंगा। आजा सेज भी मैं बिछा लूंगा, मन ने तो सुरख में जाने तेरा के करूंगा मैं। हाँ ठीक से मंजूर है। एक शर्त मेरी यो है, ज्यादा घना हो रहा तेरा पानी ताता भी नहीं करूंगा। ठंडे में ना आऊंगा, स्वस्थ रहूंगा, मस्त रहूंगा। तो फिर मेरी लास्ट शर्त यो है, दिन में रहूंगी रात ना कौन रो। अरे यह कैसी शर्त भाई तेरी? मेरी तो यह शर्त मानता हो तो ठीक नहीं, ताऊ मुछा का तेल लगा रहा कई देर से। दिन में रहेगी रात को नहीं रहे ना, भले घर की औरत रात को बाहर नहीं निकलती, घर में रहना पड़ेगा। लेक्चर मध्यान्ह बता या ना? अच्छा ठीक से। हाँ मैं तो दिन में काम काट लूंगा घने सारे। अच्छा काम, परंतु रात को अगर तू जाएगी तो तेरे साथ साथ जाऊंगा और तने साथ साथ लेके आऊंगा। ले बोल, तू साथ तू के पर्ची बनाओगा मेरी, तू क्या करेगा? एक ली जाऊंगी। अच्छी आठ फसाई। हाँ। ठीक से तो मंजूर है। तो फिर मेरी एक और शर्त सुने। इब के रह गया बुआ। सुन तो सरी फूफा, एक मेरी लास्ट शर्त यो है, कदे तू मेरे तो बोलिया। हाँ? तू मेरे तो बोलिया, तू मेरा गुलाम, मैं तेरे तो बोली मैं तेरी गुलाम। पागल, ये कैसी शर्त है? यही शर्त है मेरे तो। अरे शादी के बाद मैं भी बोलूंगा, तू भी बोलिए, दोनों बोल लेंगे। दोनों बुलबुल करेंगे। हाँ नहीं मैं नहीं बोलूंगी, ये गलत बात। और तू बोलेगा तू भी गुलाम हो जाएगा। मैं बोलूंगा तो मैं गुलाम, तू बोली तो तू गुलाम। गुलाम देख सुन, धनी बीर आपस में सुख दुख की बात करेंगे, है ना? तू मेरे सुख दुख की ले, मैं तेरी लूंगा सारी सुख दुख की। मैं तुम दू को सुख दुख की, देख न्यू जुलम ना करे। अच्छा कदे संडे ने होली दिवाली ने? ना 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 ना, करवा चौथ ने भी छुट्टी को ना। अच्छा हाँ ठीक से तो मंजूर है। यो शर्त भी मंजूर? मंजूर है। तो फिर मोसा ब्याह करके क्या करेगा तू? मोसी जिद से मेरी चाल भाई। तो थोड़े से सवाल का जवाब और दे। हाँ कह रहे अरे किसने मांगा रे? हाँ। पीछे तक जोरदार ताली बजा के बताओ। बोला बाबा भैया की जय। अरे किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगा रोज बरसना,
किसने मांगी करनी धूप, किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा रूप, कौन चाहवे रात चांदनी, कौन छुपाना चाहवे रूप, कौन चाहवे रात चांदनी, कौन छुपाना चाहवे रूप, अरे कौन करते दान जगत में, क्या के भरे रहे भंडारे, कौन उठे कष्ट जगत में, किसके जाके लागे मारे, तेरा मारा ब्याह हो जाजे, राजी हो जा वो करता रे, तेरा मारा ब्याह हो जाजे, राजी हो जा वो करता रे, ओए कौन जगत में जागता रे, कौन जगत में जागता, अरे बोल रे अपन सो किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करड़ी धूप। सजनों समाज में एक आदमी ऐसा है रोज कहता भगवान बारिश होती रहे, वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है परमात्मा बारिश ना हो, धूप निकले तो मेरा रोजगार चले। कौन है ये दोनों? किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा भूप। भूप का मतलब राजा। हाँ ठीक है। कौन चावे रात चांदनी, कौन छुपाना चावे रूप। ठीक है। कौन करते दान जगत में, क्या के भरे रहे भंडार, कौन उठे कष्ट जगत में, किसका जाकर लागे मार, तेरा मारा ब्याह हो जा, राजी हो जा वो करता। पक्की बात है? हाँ। जवाब दूंगा तो ब्याह करेगी? बिल्कुल। एक सवाल और था, कौन जगत में जागता, कौन रह पड़ सो। बता दूंगा तो ब्याह करेगी? हाँ फिर कर लूंगी। नरसिंगल बिचौलिया बनना पड़ेगा। पक्की बात है? तो सुन। सुना। माली मांगे बाग का माली, माली मांग माली मांग माली मांग रोज बरसना, धोबी मांगे करडी धूप, सतपुरसा की नगरी अच्छी, सच्चा पालक अच्छा धूप, साजन मांग रात चांदनी, एक चोर छुपाना चाहवे रूप, साजन मांग रात चांदनी, चोर छुपाना चाहवे रूप, अरे दानी करते दान सभा में, धन के भरे रहे भंडार, रंडी ओटे कष्ट जगत में, धर्मराज के बिला के मार, लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जा, लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते, खुश हो जा मारा करतार, लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते, खुश हो जा मारा करतार। बस लास्ट सवाल है मेरा, कौन जगत में जागता, कौन रहे अपड़ सो। ये सारे जागे हैं, इनमें भी सुते पड़े हैं सारे जागे ना। ये ब्रह्म ज्ञान का सवाल है, थोड़ी गहराई था, नीचे था सोच। कौन जागे, कौन सोवे, कौन सोया पड़ा है और कौन जागे है। हाँ जी। अगर बात समझ में आए तो आशीर्वाद ताली बजा के देना लोगों। देखो कितनी बड़ी बात है, आज आज इस मंच के ऊपर आप चार पांच छोरी केवल डांसर डांसर बुला लो, कम से कम 20 गांव के आदमी आ जाएंगे, लेकिन बाबा का मेला है, कहीं तो ऐसे गांव में दो चार आदमी इसे भी होंगे जो गांव में भीतर अपना बैठे, रिजाई में तो नहीं लिखड़े होंगे लेकिन धर्म के काम में नहीं आते। क्यों? दादा ने यहां ये बात कही कि कौन जागे और कौन सोवे। दादा की बात बढ़िया लगे तो सम्मान करना, तू भी सुन। आज पाप जगत में जागिरा